नमस्कार रायपुर दूरदर्शन के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आयोजित आज की इस चर्चा में मैं विभाष कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर आपसे बातचीत करेंगे और इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे स्टूडियो में दो विषय विशे विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी का हम स्वागत करते हैं जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ चार्टेड अकाउंटेंट विष्णु बघेल जी हमारे साथ हैं आप दोनों अतिथियों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है बघेल जी और ब्रह्मे जी आज की इस परिचर्चा के शुरुआत में इस बात से ही करना चाहूँगा कि ये जो छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश हुआ है और इसे पेश किया है वित्त मंत्री के तौर पर पूर्व आई अधिकारी रहे ओ चौधरी जी ने तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एक वित्त मंत्री के नाते जबकि हम पहली बार ये लंबे अरसे के बाद एक परंपरा में बदलाव देख रहे हैं कि वित्त मंत्री की भूमिका मुख्यमंत्री नहीं निभा रहे थे बल्कि वित्त मंत्री ही निभा रहे थे तो क्या ओ पी चौधरी जी ने जो बजट पेश किया है उसमें उनका विज़न कुछ अलग से दिखता है ब्रह्मे जी आपसे सवाल है जी हाँ जी हाँ देखिए जो जो विज़न उन्होंने रखा है इस इस बजट में और ये विज़न हमारे जो देश का जो विज़न है उससे पूरा सिंक्रोनाइज़ है और जो हमारे देश का विज़न है कि हम जब दो में जब हमारे आज़ादी के सौ वर्ष होंगे तो हम विकसित राज्यों में होंगे तो उसमें जो हम आपने पूछा हमारे जो वित्त मंत्री हैं राज्य के वो ये कह रहे थे बजट में कि उसमें छत्तीसगढ़ का भी जो है योगदान रहेगा और हम भी जो है दो तक एक विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं और एक ऐसा उन्होंने कहा कि एक हम ऐसा विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे जी और उसको हम एक नवंबर इस साल जब राज्य स्थापना दिवस है उसमें प्रस्तुत करेंगे कि, कि किस प्रकार से एक लॉन्ग रन में दो में हम अपने छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाना चाहते हैं इसके साथ उन्होंने जो दूसरी बात कही कि ये तो एक दीर्घ काल की रणनीति है पर एक मध्यम काल की भी रणनीति होती है जिसके अंतर्गत कि हम उन्होंने कहा कि मध्यम काल में हम अगले पाँच वर्षों में हमारे राज्य की जो जीडीपी है जो जी, अभी वर्तमान में पाँच लाख करोड़ की है इसे हम दुगना करके अगले पा, पाँच सालों में इसे दस लाख करेंगे दस लाख करोड़ की हमारी हो जी होगी ये जो है एक विज़न जो रखा है इस बजट में मैं समझता हूँ कि ये ये बहुत बड़ा विज़न है और इसके लिए जो है उन्होंने बहुत एक विस्तार में रणनीति बनाई है कि किस प्रकार से हम इस विज़न को प्राप्त करेंगे तो ये एक बजट की बहुत बड़ी बात है आ, इसमें रम्मे जी आपने तो विजन की जो चर्चा की वो तो बहुत अच्छा हमारे सुनने वाले भी समझ रहे होंगे कि ये केवल एक साल का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है ये बजट बल्कि अगले 20 साल का एक विजन इसमें दिख रहा है मैं चार्टेड अकाउंटेंट होने के नाते विष्णु बघेल जी से भी जानना चाहूँगा बघेल जी आपका क्या नज़रिया है इस बजट को लेकर के कि क्या वो जो विकसित भारत का विजन जो सोच रही है सरकार क्या इसमें वो परिलक्षित होता है कहीं सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री ओ चौधरी साहब को जो कि आई एस हैं उनको बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है अपने अनुभव का मुझे ऐसा लगता है अपने अनुभव का क्योंकि वो इस माटी से जुड़े हुए हैं खेती किसानी और गाँव से जुड़े हुए और बहुत संघर्ष के बाद में आई एस बने जी तो उसका ये विज़न दिखता है उनका वो उनके अनुभव का इसमें विज़न दिखता है प्लस जो पूरे भारत में जो चल रहा है विजन जो भारत के विजन के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है वैसे जी. भी वैसे भी छत्तीसगढ़ की धरती रत्न गर्भा धरती है यहाँ काले हीरा से लेकर के हीरा भी मिल है जी तो जी. उसको किस तरीके से यहाँ की आम जनता के लिए हम एक्सप्लाइट करें उसके हिसाब से मुझे बजट तो बहुत संतुलित नज़र आता है और मैं इसी पर और सवाल करना चाहूँगा हमारे जो अर्थशास्त्र के विषय विशे विशेषज्ञ हैं चूँकि हम ब्रह्मे जी को लगातार बजट पे पिछले कई वर्षों से सुनते रहे हैं हम उनसे बातचीत भी करते रहे हैं ब्रह्मे जी इस बजट का जो साइज़ है एक लाख सैंतालीस हज़ार चार सौ छियालीस करोड़ लगभग डेढ़ लाख करोड़ का बजट है और ये पिछले साल एक लाख इक्कीस हज़ार करोड़ के आसपास का था तो ये जो बड़ा ग्रोथ इसमें आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रोथ है ये देखिए क्या ये, संकेत करता जी, है ये जी। एक बड़ा मैं, मतलब मैं कहूँगा कि इस नज़रिए से बड़ा ऐतिहासिक बजट है और पिछले कई वर्षों का यदि आप देखेंगे कि जो बजट जो साइज आप जिसको हम बजट कहते हैं कि सरकार जी, जी। इस साल कितना खर्च करने वाली है तो ये जो बाईस परसेंट है जो बजट में जो आप अभी कह रहे थे एक लाख सैंतालीस हजार करोड़ प्राप्ति का ग्रोथ बहुत बड़ा ग्रोथ है जो जो डेढ़ लाख करोड़ लगभग जो हम खर्च करेंगे इस जी, साल जी। ये एक बहुत बड़ा इन्हांसमेंट में है ये एक बहुत ही इसकी आ, हम कहें कि पॉजिटिव जो बजट की बात है इसमें और दूसरी बात है जो कि मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे बजट में क्या होना चाहिए जी जी एक अच्छे बजट में देखिए सबसे पहले वो राज्य की ग्रोथ को बढ़ाए राज्य के विकास को बढ़ाए इसीलिए कि जब ग्रोथ होगी तो सरकार को रेवेन्यू के रूप में भी पैसे मिलेंगे और सरकार उसको विकास में खर्च कर सकती है और लोगों के भी कल्याण के कार्य में खर्च कर सकती है जी जी दूसरा पैमाना एक बजट का होता है कि आप अपना जो आपको सरकार को जो पैसा मिल रहा है जो रेवेन्यू मिल रहा है तो वो जो सरकार है उसका प्रबंधन किस तरीके से कर रही है ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है तो यहाँ पे देखिए कि जो इस बजट का प्रबंधन किया गया इस साल के लिए वो पूरा घाटे को नियंत्रित रखा गया है है ना और साथ ही साथ जो रेवेन्यू सरप्लस का ये बजट आया है और ये बहुत है रेवेन्यू सरप्लस में, एक इसमें। सबसे बड़ी बात है जिसको मैं कह रहा था पहले भी कि ये हमारे जो केंद्रीय बजट है भारत का जो बजट है उसके बजट से सिंक्रोनाइज है तो देखिए तो केंद्र सरकार का बजट सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है जो खर्च कर रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है जी पिछले साल दस लाख करोड़ केंद्र सरकार का था इस साल ग्यारह लाख करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च है जी इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बूस्ट किया गया है लगभग जो है बीस परसेंट का इन्हांसमेंट किया गया है इसके अंतर्गत जो कि पिछले कई सालों से वो लगभग बारह परसेंट पे स्टेगनेंट था तो इस तरीके से एक जो एक अच्छा जो बजट होना चाहिए जो विकास को बढ़ाए आम लोगों को जो है उस पर विकास के लाभ मिले तो एक समावेशी होना चाहिए वो बजट कि जो वंचित वर्ग है पिछड़े वर्ग है उनकी भी कल्याण की योजनाएं हो और उसके साथ साथ कि आप राज्य में कितना निर्माण कर पा रहे हैं जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होगा जिससे राज्य का विकास बढ़ेगा वो पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए तीसरी बात और फिर ये राजकोषी संतुलन होना चाहिए तो ये सारी बातें इस बजट में हमको देखने को मिलती है बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं चूंकि चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में हमारे पास मिस्टर बघेल जी उपस्थित हैं मैं उनसे भी ये जानना चाहूँगा कि इस बजट में जो राजस्व की प्राप्ति जिस तरह से 20 से 22 परसेंट का ग्रोथ उसमें दिखाया गया है और ये पिछले पाँच वर्षों में 8 परसेंट तक ही रहता था जो हम 18 से 23 तक देख रहे थे तो बघेल साहब ये बताइएगा कि ये जो रेवेन्यू में जो इतना बड़ा ग्रोथ दिख रहा है आप तो टैक्स के भी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं टैक्स तो नहीं बढ़ाया सरकार ने तो राजस्व प्राप्ति में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको आप कैसे एक्सपर्ट के नाते बताना चाहेंगे राजस्व की प्राप्ति में बढ़ोतरी देखिए पहले जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया तो उस समय जो इनकम टैक्स में मतलब केंद्रीय बजट में आता है इनकम टैक्स हालांकि तो मैं ये, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ इनकम टैक्स में हाईएस्ट रेट जो था वो कब कहीं कहीं पर साठ परसेंट था जी और धीरे धीरे उसमें संशोधन किया गया आज मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो थर्टी है जी और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि टैक्स रेट बढ़ा देने से कलेक्शन ज़्यादा होगा ये नहीं है टैक्स घटाने से कलेक्शन अच्छा हुआ लोग कंप्लाय किए लॉ को और उन्होंने ये 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 इस बात को महसूस किया कि भाई हमको ये टैक्स देना चाहिए तो मेरे को लगता है कि अभी जो डिफिसिट का बजट ना दे करके उसका बजट दिए हैं सरप्लस का वो एक अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है और मेरे को यह भी महसूस हो रहा है कि कंप्लायंस में ज्यादा ध्यान दिया जाए ये आपने जो बात कही कंप्लायंस की पिछले पांच वर्षों में हमने देखा है कि जो आमतौर पर आयकर जमा करने वाले लोग होते हैं, उनकी संख्या एक करोड़ से भी कम थी हमने दो हजार में आंकड़े देखे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं उसमें से एक करोड़ से कम लोग भी टैक्स पे करते हैं लेकिन अब ये संख्या बढ़ रही है ये बहुत इसमें सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है ब्रह्मे जी भी इस पर बात करेंगे निश्चित रूप से ये बताइए जो टैक्स पे करने वालों की संख्या बढ़ रही है ये क्या रेवेन्यू कलेक्शन का मेजर सोर्स है मुख्य साधन है क्या आपको लगता है जो 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 सरकार जो टैक्स कलेक्ट करने की बात कर रही है और जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ओन टैक्स रेवेन्यू सरकार का ओन टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ेगा वो बढ़ेगा और उसके लिए क्या मेजर सोर्स है इनका कि जिसको हम जो स्टेट जीएसटी है जिसको हम कहते हैं जो है उसको रॉयल्टी तो, इस इसमें नहीं है ये ओन टैक्स रेवेन्यू की सिर्फ उन्होंने बात नॉन टैक्स में आ जाता है तो ये ओन टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की जो बात इन्होंने कही है ये इन्होंने कहा है कि जो टैक्स में जो कि जो आ, क्या कहते हैं तमाम प्रकार के जो लीकेज हैं उन्होंने कहा हाँ, और उसको दूर करने की बात कही किसके माध्यम से उन्होंने कहा कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का इस्तेमाल करके इसको पूरा इसको डिजिटाइज करके इसको ट्रांसपेरेंट करके जो सरकार के खाते में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आना चाहिए ये विभाष जी एक बहुत बड़ी बात है और बड़ा टारगेट है कि अब 22 परसेंट ओन टैक्स रेवेन्यू में बढ़ने का टारगेट रख रहे हैं आपने लीकेज की बात की तो उस पर सबसे अच्छे तरह से तो मेरे ख्याल से बघील साहब बता सकते भी। हैं कि जो टैक्स का लीकेज होता है कि इस देश के प्रधान एक प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा

ये, ये, इसको किसी इसके थ्रू जाने की जरूरत नहीं रहेगी कम रहेगी मतलब ये है कि लीकेज तो बहुत बड़ा फैक्टर है भारत के हर हर चाहे वो छत्तीसगढ़ स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो लीकेज इस तो बहुत बड़ा फैक्टर है तो ये हम ये समझते हैं इसको है। है। हम प्लग कर पाए जी तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो तो आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है बघेल साहब और ब्रह्मे जी कि हमारे पास रेवेन्यू लोगों के घर में लोगों के पास धन जमा बहुत है लोग उसका उपयोग भी करेंगे उससे बाहर निकालेंगे और सरकार की जो जो बुनियादी ढांचे में जो खर्च होता है हज़ारों करोड़ रुपए उसमें उनका योगदान पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगा पीपुल्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी डेफिनेटली एनहेंसिंग एंड विल बी मोर आई थिंक ये एक और सवाल इससे सामने आता है ब्रह्मे जी कि जो अभी उद्योग क्षेत्र है निश्चित रूप से उसका भी टैक्स एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास जमा होगा आपको क्या लगता है कि उद्योग क्षेत्र इस बजट को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया भी करने वाला है आपको क्या लगता है मुझे लगता है कि उद्योग जो जगत है उसके लिए भी बहुत इसमें चीज़ें जो वित्त मंत्री के द्वारा कही गई हैं खासकर उन्होंने उन जिलों में उत्साह बढ़ाने वाला है बिल्कुल उनका उत्साह बढ़ाने वाला है इसीलिए कि वो जो पहली बात वो जो कह रहे हैं कि हम जो अपना जो गवर्नेंस का जो तरीका है उसको हम सुधारेंगे उसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे वो सारी चीज़ों को हम डिजिटाइज करेंगे जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे तो ये उद्योग उद्योग यही चाहता है जिसके अलावा उद्योगों के लिए जो उन्होंने बात कही है कि वो नए जो औद्योगिक केंद्र और औद्योगिक पार्क बहुत सारे बने जो आईटी पार्क हम सोच रहे हैं या जो 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 बना बना रहे रहे हैं हैं हाँ के, के है। प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे जो वो सब जो हो रहे तो एक क्षेत्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र है जैसे है और सिलतरा ऐसे नए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की बात कही गई ये कहा गया कि हम किस तरीके से अपने राज्य में देखिए सरकार तो एक्सपेंडिचर कर रही है और जब सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो इस, इस उसके बाद से निजी इन्वेस्टमेंट भी आता है मान लीजिए कोई एक सरकार ने सड़क बना दी जहां पे सड़क नहीं था तो उसके बाद ये होगा कि उसके किनारे उद्योग भी खुल जाएंगे उसके किनारे कोई अपनी तो दुकान भी खोलेगा कोई होटल तो, भी, तो, भी खोलेगा हाँ, तो उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि क्राउडिंग इन इफेक्ट इन्वेस्टमेंट का तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे जो इन्वेस्टमेंट समिट हमारे यहाँ होगी कि बड़े उद्योगपति आए हमारे यहाँ उद्योग लगाए जिससे जो राज्य में उन्होंने बताया कि जैसे आपने कहा कि हमारे इतना मिनरल जो रिच स्टेट है हमारा हमारे पास प्राकृतिक संसाधन इतने हैं और उनका हमको वैल्यू एडिशन करना है तो जब तक हम यहाँ पे आके उद्योग नहीं लगेंगे बाहर लोग के लोग आके नए उद्योग ना लगाएं तो रोज़गार और जो हम जो विकास की जो बात कर रहे हैं और विकास के लाभ जो तो आम लोगों तक तो पहुँचाने की बात कर रहे हैं वो उसको आगे बढ़ाने की बात मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल करना चाहूँगा मैं बजट के भाषण में जो मुख्य बिंदु पड़ रहा था तो उसमें वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि जो बस्तर का क्षेत्र है जहाँ पर्याप्त मात्रा में मेडिसिनल प्लांट्स या वन औषधि हैं तो उनके प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे ताकि वहाँ उसका मूल्य संवर्धन हो वैल्यू एडिशन हो ये बताइएगा बघेल साहब कि ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा के उच्च शिक्षा के संस्थान है वो भी हम हर ज़िले में खोलेंगे चाहे वो कृषि या उद्यानिकी या बागवानी के विश्वविद्यालय महाविद्यालय हो या कृषि के अलावा भी जो उससे सिस्टर यूनिट हो या जो एंसिलरीज उद्योग हो mm. ये बताइएगा कि जो सरगुजा बस्तर का जो पूरा क्षेत्र है जो उद्योग से करीब करीब वंचित है आपको क्या लगता है कि यदि ये सरकार उन सब ज़िलों में छोटे बड़े उद्योगों को स्थापित करती है तो पीपुल्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू जनरेशन और बढ़ेगा क्या लगता है आपको इससे टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू जनरेशन तो होगा दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चुनौती पीपुल पार्टिसिपेशन या सबसे बड़ी चुनौती पीपुल्स पार्टिसिपेशन है जो हमारे जो दो बड़े आदिवासी क्षेत्र हैं सरगुजा और बस्तर जी यहाँ पर लो, लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है तो उसमें यदि हम उन तक जाते हैं देखिए दो तरीके से हम कर सकते हैं एक तो हैवी इंडस्ट्री लगा के दूसरा नगर नगर बड़ा प्लांट प्लांट लगा चालू हो गया हाँ। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके घर के दरवाजे तक ले जाके उसको दें उनको तो ताकि वो खुद वो इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़क तक उस तक आए और वो अपना वो शुरू करें तो उस हिसाब से यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि की बात है और जो पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसमें तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें पीपल uh, वहाँ के लोगों को खासकर आदिवासी को फायदा मिलना चाहिए ब्रह्मे जी आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ मैं चूँकि आप उच्च शिक्षा से जुड़े हैं और एक लंबे समय से विश्वविद्यालय की शिक्षा से आपका ताल्लुक है ये बताइएगा कि चूंकि ओ पी चौधरी जी जब दंतेवाड़ा में कलेक्टर थे उन्होंने एक बड़ा नए किस्म का प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको आजीविका महाविद्यालय या लाइवलीहुड कॉलेज का नाम दिया गया था और जब मोदी जी 2014 में दंतेवाड़ा आए थे जो जावंगा में जो लाइवलीहुड कॉलेज है तो उन्होंने उसकी तारीफ़ की थी कि यह मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए चूँकि उच्च उच्च शिक्षा विभाग से आपका संबंध है आप प्रोफेसर हैं और चौधरी जी का भी ये एक उनका बहुत इंटरेस्ट का एरिया है उनका जो फील्ड है क्या आपको लगता है कि नालंदा परिसर जैसे सब जिलों में स्थापित करने की घोषणा हुई है या वाणिज्य में आपके यहाँ विश्वविद्यालय को काफ़ी पैसे देने की घोषणा हुई है और हर जिले में एक बड़ा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन आईटीआई टी आई आजीविका महाविद्यालय स्थापित होगा क्या आपको लगता है कि इससे भी एक विकास का नया रास्ता खुलेगा निश्चित रूप से देखिए जब तक आप राज्य के एक जो है हम कहते हैं कि गुणात्मक रूप से मानव संसाधन का निर्माण नहीं करेंगे जी चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो स्वास्थ्य हो तो हमें ऐसे मानव संसाधन चाहिए जो कि जो क्वालिटी उनकी अच्छी हो जिससे के कारण कि वो जो है आ, राज्य के विकास में अपना ज़्यादा योगदान दे सके तो शिक्षा का भी जैसे वित्त मंत्री कह रहे थे कि जो है हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि सौ रुपये करते हैं तो दो सौ सैंतालीस रुपये इनकम बढ़ती है उसका इफेक्ट होता है इतना जिसको इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं जी जी उसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य का भी प्रभाव राष्ट्रीय आय पे पड़ता है यदि शिक्षा में सुधार होता है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है स्वास्थ्य में सुधार होता है तो उससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो ये एक बात उन्होंने कही थी और एक एक बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने इसमें कही हमारे एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनको 1976 में नोबल प्राइज़ मिला था मिल्टन फ्रीडमैन जी और उन्होंने एक बात ये कही थी कि कोई भी जो है हम एक एक जो गलती ये करते हैं कि हम कोई भी जो पॉलिसीज़ हैं या कोई भी जो प्रोग्राम है सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई या कोई योजना को बनाई जी तो उसको हम उसके जो जो उस उसका जो इंटेंशन है उससे जज करते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है ये बड़ा अच्छा इंटेंशन लग रहा है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उन्होंने अपने बजट में तो फीडबैक ने बोला कि इंटेंशन से जज नहीं करना है उसको जज करना है उसकी जो है उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन से जज कर जी ये और ये बात, अच्छा। बात जो ओ पी चौधरी जी ने हमारे वित्त मंत्री जी ने कही है इस बजट में खासकर जो दसवां जो बिंदु उन्होंने रखा है अपने विकास के जो दस पॉइंट रखे हैं उसमें उन्होंने कहा कि दसवां पॉइंट था कि हम इनकी जो है कैसे हो रहा है इसका जो क्रियान्वयन के महत्व को इन्होंने इसमें अपने विकास के दस सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर में रखा है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वही ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो लागू करने वाली जो व्यवस्था होती है ब्यूरोक्रेसी के नीचे तक जो पंचायत स्तर पर उस पर उनका ध्यान ज्यादा रहेगा मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहूँगा बघेल साहब चूंकि जैसे हम लोग देखते हैं दिल्ली में अब राजधानी क्षेत्र का बहुत विस्तार हो रहा है तो नेशनल कैपिटल रीजन का कंसेप्ट केंद्र सरकार के पास है उनको लगता है कि और हमें ज़मीन चाहिए तो फरीदाबाद गाज़ियाबाद साहिबाबाद हाँ। नोएडा और खुड़गांव भी आगे गुड़गांव गया उसमें हाँ। ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट को लेकर के यहाँ पर स्टेट कैपिटल रीजन का एक इसमें जिक्र आया है बजट में जिसमें कह रहे कि भिलाई दुर्ग रायपुर और नवा रायपुर इतने को मिलाकर के ग्रेटर रायपुर जैसा बन जाएगा क्या आपको लगता है इससे एक कोई नया रेवेन्यू का मॉडल या एक नया विकास कुछ नया इससे शुरू होगा आपका क्या विचार है इस पर मुझे ऐसा लगता है कि एक एक ये भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय क्योंकि मेट्रो की भी बात हो रही है कभी देर से देश राइट तो भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया वो है और और चूंकि चौधरी साहब अपने अनुभव में बहुत रिच हैं बहुत धनवान हैं और इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ दिया है बहुत अच्छा है इससे डेफिनेटली जो है इतने क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जितना जितने हिस्से की आपने बात कही जैसे दुर्ग बिलाई है है ना रायपुर है है ना नया रायपुर है और वो भारतमाला परियोजना से भी हाँ, वो हिस्सा जुड़ गया है हाँ, जो सिक्स लेन सड़क जो बनेगी जी वो कुम्हारी वाला हिस्सा जुड़ गया है उससे हाँ तो वो वो सब जोड़ने से ये होगा कि लोगों को का मूवमेंट जो है मूवमेंट तो आसान होगा और आसान होने से रेवेन्यू जनरेशन होता है उसमें डेफिनेटली राज्य को निश्चित तौर पर फायदा होगा रेवेन्यू के दृष्टिकोण से और मानव संसाधन के दृष्टिकोण से भी एक चीज और मैं कहूंगा कि जिस हमने यदि मानव संसाधन पर ध्यान दिया कि जैसे आ, जैसे आईआईटी के इसमें सीआईटी की बात चल कर रहे आपसे आप बस चाह रहा जैसे रोजगार महाविद्यालय की बात कर रहे थे जी जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी का तो उसमें बहुत लाभ होगा क्योंकि क्योंकि यदि एक स्किल्ड ह्यूमन ंग एक स्किल स्टूडेंट हम पैदा करते हैं तो वो डेफिनेटली रेवेन्यू को इंक्रीज करता है ब्रह्म जी ये बताइएगा कि दिखुण वो जैसे अभी हम ब्रह्म भुगे जी से बात रहे थे उन्होंने कहा एस सी आई टी संस्थान बनेगा जैसे एन आई टी होता है जैसे आई आई टी होता है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर उसी मॉडल पे वित्त मंत्री जी ने कहा कि सी आई टी की स्थापना हर ज़िले में की जाएगी जहां पर ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी भी इंजीनियरिंग के साथ होगी आपको लगता है इस कंसेप्ट से जो हमारे युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा ऐसा आपको लगता है नहीं बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसीलिए आप जानते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है आप जानते हैं कि पूरा ये कहा जाता है कि भाई हम पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि सबसे ज्यादा युवा रहते हैं ये बात तो है, है। और ये हमारा और एक डिविडेंड भी है एक डिविडेंड है जिसको हम जना की लाभांश कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंट कहते हैं अब पूरी दुनिया जब बुजुर्ग हो रही है है जापान की एवरेज आयु जो पचास साल से ज़्यादा यूरोप पचास साल पर है अब हमारे युवा हैं और हमको उन पर फोकस करना पड़ेगा उनको उत्पादक कार्य हम कैसे दे पाएं तो ये बड़ी चुनौती आज की ये है कि यदि आप उनको स्किल यदि दे देते हैं है ना तो वो स्किल यदि उनको मिलेगी और जो सी की स्थापना है मतलब आप एक जो प्रोफेशनल जो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये ये ज़रूर जो है उसके लिए बहुत लाभदायक होगा उसके जॉब के लिए होगा वो और दूसरे लोगों को रोजगार दे सकता है उन्होंने जो है स्टार्टअप की बात करी है जी जी स्टार्टअप की यहाँ पे उन्होंने कहा कि उसके लिए किस प्रकार से हम या, यानी रविशंकर यूनिवर्सिटी में भी इन्फॉर्मेशन सेंटर को बताने की उन्होंने बात कही है तो ये साइंस सेंटर भी दो तीन जगह बनेंगे हाँ जी हाँ तो सभी जगह जो ये जो प्रावधान जो किए गए हैं देखिए मैं एक बात तो और इसमें कहना चाहूँगा ये कि उनका जो विजन जो छत्तीसगढ़ के लिए था जो वो कह रहे थे जो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि हमको एक विकास करना है अच्छा विकास कैसा करना है उन्होंने सिर्फ हम होता है कि ग्रोथ की बात कर लेते कि सिर्फ जी डी पी बढ़ गई ये बात उन्होंने पहले पहले विजन में नहीं रखी उन्होंने उस विकास को जो जोड़ा है उन्होंने कहा ज्ञान जी, जी। ज्ञान यानी उन्होंने कहा कि जो है आपके आ, युवा हैं है ना नारी है ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान का मतलब वो नॉलेज से उन्होंने नहीं लिया नहीं लिया गरीब युवा और जो है आपकी जो है कृषक को उन्होंने कहा अन्नदाता और एनसी नारी तो ये मतलब है कि ये जो विकास है ये इस विकास को उन्होंने समावेशी किया ज्ञान को उन्होंने जिस तरह, तरह सिर्फ से विकास को ग्रोथ चार, को नहीं चार समुदाय को उन्होंने पकड़ के ज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया जी एल्विन टॉफलर की किताब में जो मेगा ट्रेंड्स किताब में चर्चा है इस बात की कि जो भविष्य है 2030 तक का 25 तक का उसमें जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वही पावर होगा दुनिया के हाथ में मैं आपसे जानना चाहूंगा बघेल साहब ये बस हमारी चर्चा का एक आखिरी चरण चल रहा है कि जिस तरह से हमारे यहाँ बड़े बड़े संस्थान खोले जाएंगे आगे खोले जाएंगे और भी खोले जा रहे हैं हमारे यहाँ ट्रिपल आईटी है हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है हमारे यहाँ प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान ए सी भी है और आईआईटी आई सब है एनआईटी भी है ये बताइएगा कि इतना हम लोग यूथ का एक स्किल वाला हब बन रहे हैं लेकिन जब तक यहाँ पर इस तरह के उद्योग के पार्क न बने जिसमें जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हों रोजगार के अवसर पैदा हों तो ये जितने संस्थान से बच्चे जो स्किल्ड निकलेंगे उनका हम आ, बाहर दूसरे राज्यों में जो ब्रेन ड्रेन होता है उसको रोकने के लिए हमें आपका विचार क्या आ, है क्या करना मैं पड़ेगा? मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत सारे विश्व में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण जो है प्रसिद्ध है और आज के डेट में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ड्रेन का शिकार हुए हैं यदि हम उसका हम यहाँ 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 उसका हम सेंटर खोलते हैं जैसे हैदराबाद में है सेपरेट आईटी पार्क आई टी पार्क है वैसे बेंगलोर सेंटर है वैसे ही पुणे सेंटर है, है वैसे ही मद्रास का है तो यदि हम ऐसा कुछ इंफॉर्म क्योंकि अभी ब्रह्मे साहब ने कहा कि इंफॉर्मेश आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन जो है वही पावर वही बात और अभी तो एआई आ गया जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ यू हैव टू कॉम्पीट विद द मशीन डेफिनेटली है अब आप अपने ही बनाए मशीन के साथ में आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो मेरे ख्याल से यदि हम यहाँ पर मेरा ऐसा सुझाव है मैं सबसे को कि यहाँ पर यदि छत्तीसगढ़ में जो बृहत् रायपुर या जिसको अपन ग्रेटर रायपुर ग्रेटर रायपुर के एसआर दे रहे हैं, दे के के रहे रहे हैं। उसमें यदि हम एक इंफॉर्मेशन uh, टेक्नोलॉजी uh, के लिए कोई सेंटर डालते हैं तो आगामी भविष्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ब्रह्म साहब कि जो हमारे राज्य में देखिए पावर सेक्टर है कोल का भी हमारे यहाँ बहुत स्पेशल है इतना बड़ा एक प्रोडक्शन होता है जो हम कई राज्यों को देते हैं चार छः राज्यों में छत्तीसगढ़ सीमेंट का बड़ा सेंटर हमारे पास है स्टील हमारे यहाँ मैनुफैक्चरिंग होती है और जो बेला का स्टील है रॉ स्टील भी कहते हैं सबसे अच्छा लोहा तो बैला से पैदा होता है थर्टी फाइव परसेंट तक के वहाँ से जो मिनरल निकलता है जो अच्छा स्टील माना जाता है इतना सब हमारे पास इंडस्ट्रियल जो रिसोर्स है तो भविष्य में इस बजट में आपको ऐसा क्या दिखता है जो हम अपने इस रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं आपको क्या लगता है एक बड़ी खास बात उन्होंने इसमें कही एक बात ये कही है उन्होंने कि जो विकास जो होगा जी है ना डेवलपमेंट वो जो है डिसेंट्रलाइज़ जो है है डेवलपमेंट पॉकेट की बात जी ये नहीं है कि सारे उद्योग धंधे आपके खुले ये उनका को भी टच करेंगे सारा उन्होंने आठवें नंबर का विजन का जो पॉइंट रखा है कि जो है डेवलपमेंट पॉकेट्स बनाएंगे बस्तर भी उसमें सम्मिलित होगा सरगुजा भी होगा और सभी क्योंकि हर किसी जिले की अपनी एक विशेषता है जी है ना वहाँ की अपनी आर्थिक विशेषता भी है वहाँ की अपनी सांस्कृतिक विशेषता भी है और इसमें अपनी संस्कृति को भी जो है संरक्षित करने की बात उन्होंने कही कि उसके उसके साथ हम विकास करेंगे तो ये एक डिसेंट्रलाइज एक प्रकार के जो पॉकेट है इसका बनाने की जो बात है तो वहाँ के जो मिनरल्स हैं वहाँ के जो संसाधन हैं उनका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए और लोगों के जो है कल्याण के लिए मैं आपसे बस आप दोनों से, से चलते चलते, चलते। सर आप कुछ कह रहे थे प्लीज मैं ये कह रहा था कि बैला डीला के जैसे बात हुई है ना उसका संसाधन का पूरा लाभ जापान ले रहा है आज के डेट में जी हमने अभी कुछ साल पहले ही उसका लीज अगेन उसको इंक्रीज किया है तो मैं समझता हूँ यदि उसका लाभ भारत को और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलता तो वो बहुत वो मतलब फ्रूटफुल होता तो तो जो डिसेंट्रलाइज से उसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे सेंटर्स को हमको रिकॉग्नाइज बस आखिरी हमारी चर्चा का एक अंतिम चरण चल रहा है मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले आखिरी में ही बस एक संक्षिप्त में एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूँगा कि ये जो बजट आज पेश हुआ है लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए का जिसमें 22 प्रतिशत तक राजस्व प्राप्ति का हम इसमें ग्रोथ देख रहे हैं और ये बहुत सब्सटेंशियल ग्रोथ है तो आप एक विषय के एक्सपर्ट हैं आप इस बजट से अगले एक साल में छत्तीसगढ़ की स्थिति को एक दो लाइन में कैसे बताना चाहेंगे और वकील साहब आप भी बस मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो टारगेट रखा गया है वो बता रहा है कि कम से कम हम जा रहे हैं क्योंकि हमको दुगनी करनी है पाँच साल में अपनी जी दुगनी करनी है पाँच से दस लाख तो मतलब हमारा टारगेट एक हर साल में जो हम पंद्रह परसेंट का टारगेट लेके हम चल रहे हैं कि हमारी डी जी डी हो जाए पर मैं एक लास्ट छोटी सी बात कहूंगा एक बड़ी बात से मैं प्रभावित ये हुआ कि मुझे लगता था कि ये बात सिर्फ हमारे वित्त मंत्री कह सकते थे वो ये कि उन्होंने जो हमारी कमियां हैं जी उनको भी बजट में रेखांकित किया ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं उन्होंने कहा कि हमको कहाँ कहाँ फोकस करने की जरूरत है तो ये बताता है उनकी मंशा को बताता है कि हम बड़े खुले दिल से हम चीजों को सामने रख रहे हैं जो हमारी अच्छाई अच्छा है। कमी है तो सुधार भी और उसको सुधारने की बात की उन्होंने कहा कि हमारे बिजनेस सेक्टरऑल एक अच्छा बजट है इसमें ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल का दोनों का ध्यान दिया गया है सारे संसाधनों को लेकर के एक अब उसका इम्प्लीमेंटेशन और अचीवमेंट तो आने वाला समय बताएगा लेकिन एक समावेशी बजट मुझे नहीं आप बघेल साहब और ब्रह्मे जी आप दोनों एक्सपर्ट्स का हम बहुत तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस बजट जैसे कठिन और जटिल विषय पर इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी ये परिचर्चा हम आगे और भी जारी रख सकते थे लेकिन समय का बंधन हमारे पास है फिलहाल इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे आप हमारे स्टूडियो में आए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद नहीं। नमस्कार नहीं। नहीं।